नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर हरचरण सिंह जी केड़ी रचना नूं साहित्य अकादमी का अवार्ड मिले है, केड़ी रचना नूं? हिंद दी चादर, कल अज ते पलक, नोट करो बेटे, कल अज ते पलक, दूर दराडे शहरों, मुड़के दी खुशबू, कल अज ते पलक, नोट करो, कल अज ते पलक रचना नूं अज ते पलक साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलिया। किसनू? डॉक्टर हरचरण सिंह, लेखक है इकांगी दा, डॉक्टर हरचरण सिंह। नेक्स्ट, जफरनामा इकांगी दा समा की है, किस समय वापरदा है? सवेर सार, दोपहर समय, आथन वेले, शाम रात वेले? सवेर सार, नोट करो, सवेर सार। जफरनामा इकांगी दा समा है सवेर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरनामा इकांगी विचली घटना कदों वापरदी है? 1704, 1706, 1708, 1716? 1706। इकांगी विचली घटना कदों वापरदी है? 1706। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरनामा इकांगी विच किस मुगल बादशाह नाल संबंधित है? जफरनामा, औरंगजेब, अकबर नाल, बाबर नाल, जहांगीर जा औरंगजेब? गुरु नानक देव जी का समकाली बादशाह कौन होया? ये भी इसे लैसन दे विच आया बटे, जफरनामा इकांगी च गुरु नानक देव जी का समकाली बादशाह, समकाली का मीनिंग होंदा इको समय हुए मनुख, एक पासे राजसी ताकत है, एक पासे रूहानियत है। गुरु नानक देव जी दे समय कौन होया? बाबर। ते गुरु तेग बहादुर जी दे समय? औरंगजेब। गुरु गोबिंद सिंह जी ते औरंगजेब दे समय, और गुरु तेग बहादुर जी दे समय औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब दे हुक्म नाल ही गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद किया गया सी। ते गुरु तेग बहादुर जी का गुरु गोबिंद सिंह नाल की संबंध है? गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता हन। गुरु तेग बहादुर जी नूं औरंगजेब दा हुक्म होया तां उन्हां दा सीस कटवा दिता गया सी चांदनी चौंक दिल्ली विखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किन्ने साल प्रजा दा चैन खोया? 40 साल, 45 साल, 50 साल, 48 साल? 50 साल। एक बारी आज जाके जफरनामा इकांगी थोरली रीड कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस ने ये वन वर्ड बहु विकल्पी आने हैं, क्योंकि ट्यूजडे का भी टेस्ट है, अगो तुहाडे पेपर भी है, उहदे च इक्को इकांगी है। इकांगी दे विच पात्र सिर्फ चार ने जिन्हां दी आपस विच वार्तालाप है, पांच पात्र आए ने, एक निमन पात्र आया है। पहला पात्र, मुख पात्र कौन है? नोट करो, औरंगजेब। औरंगजेब की पत्नी बेगम उदयपुरी। पत्नी कौन है? बेगम उदयपुरी। पुत्री का नाम? पुत्री कौन है? बेटी जिन्नत उन्निसा। अहलकार कौन है? औरंगजेब का अहलकार अस्त खान। अहलकार तो भी बद के होर कौन है? हो भरा है, पिता है, बच्चा है के मित्र है? अस्त खान, जिदे नाल वो अपने दिल दियां गल्लां सांझियां करदा है। मुख पात्र कौन किता आपां? औरंगजेब। मुगल शहंशाह, मुगल सल्तनत का बादशाह, नोट करो, मुगल सल्तनत का बादशाह औरंगजेब, मुगल सल्तनत। अगला क्वेश्चन नोट करो, इत्थे एक होर पात्र आया, शाही हकीम।
नेक्स्ट नोट करो, किस चीज ने औरंगजेब नू अन्ना किता होया। ऑप्शन है पैसे दी हफ्स ने, संसारक सुखां दी हफ्स, हकूमत दी हफ्स, प्रजा नू दुख देन दी हफ्स। हकूमत दी हफ्स ने, हकूमत दी हफ्स। हकूमत की हुंदी है बटे, सल्तनत, राज। किस कारण औरंगजेब दे बेटियां विचकार खाना जंगी शुरू हुई है। केड़ी, किस कारण, राज हत्याण कारण, मुगल तख्तोर ताज कारण, मुगल तख्तो ताज कारण, परजा ते राज करन करके जा सुखा नु प्राप्त करन ले, मुगल तख्तो ताज करके। किस कारण पुत्रा विचकार खाना जंगी शुरू हुई है। आवाज आके नु सुचेत कर दी है, देख तेरे पुत्रा विचकार खाना जंगी शुरू हो गई है। किस कारण, मुगल तख्तो ताज कारण, मुगल तख्तो ताज कारण। की वापरिया उसकी जिंदगी, की वापरिया औरंगजेब की जिंदगी, जे क्वेश्चन आ जाता है। प्रजा दुखी हुई मुगल तख्तो ताज कारण, प्रजा दुखी हुई, पत्नियां दुखी हुई ने, तीन पत्नियां हुई, तीसरी पत्नी बेगम उदयपुरी, जहां पुत्रा विचकार खाना जंगी शुरू हुई, पुत्रा विचकार खाना जंगी शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन्नत पिछले किन्ने सालों तो अपने पिता की खिदमत कर रही थी। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 36 साल, 30 साल। खिदमत तो की भाव है। अगला क्वेश्चन, खिदमत तो की भाव है, सलाह, मदद, सेवा। सेवा कर दी रही किसी। औरंगजेब दा जिन्नत नाल की रिश्ता है, पिता ते बेटी दा संबंध है आपस विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब विच सिंह सूरमे किसे झंडे हेठ इकट्ठे हुए। सिखां दे, खालसे दे, गुरु दे, बहादरी दे। गुरु दे, गुरु गोबिंद सिंह जी दे झंडे हेठ इकट्ठे हुए है। नोट करो, ये क्वेश्चन नहीं आया तो बेटे। पंजाब विच सिंह सूरमे किसे झंडे हेठ इकट्ठे हुए। ये सारे क्वेश्चन सीक्वेंस च लिख लो, पेपर वाले दिन अच्छी तरह रिवाइज करना, ठीक है। किसे झंडे हेठ इकट्ठे हुए, गुरु जी दे झंडे हेठ। नेक्स्ट, अशोक ते अकबर वांग लोकां दे दिलां ते रा दिल जितने नाल की हुंदा है। खूब पैसा कमाया जांदा है, खूब शोहरत मिलदी है, प्रजा नूं अपने वस विच कीता जा सकदा है, जां राज दीआं नीहां पक्कीआं हुंदीआं हन। अशोक ते, नोट करो, अशोक ते अकबर वांग लोकां दा दिल जित्तन नाल, लोकां ते राज, दिलां ते राज करन नाल की हुंदा है, राज दीआं नीहां पक्कीआं हुंदीआं ने। उल्टा करो क्वेश्चन, राज दीआं नीहां किवें पक्कीआं हुंदीआं ने, लोकां दा दिल जित्तन नाल। केड़े बादशाह होने जिन्हां ने लोकां दे दिलां ते राज कीता, अशोक अते अकबर। ए इस फॉर्म विच क्वेश्चंस आ सकदे बेटे, ठीक है। केड़े दो बादशाह ने जिन्हां ने अपने राज दीआं नीहां मजबूत कीतीआं, अशोक अते अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोबिंद सिंह जी दा खत औरंगजेब तक पहुंचाउण लई केड़ा सिख आया सी, केड़ा सिंह आया सी गुरु गोबिंद सिंह जी वालों, केड़ा सिंह जफरनामा लेके आया औरंगजेब कोल।
भाई हिम्मत सिंह, भाई दया सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई प्यारा सिंह, भाई दया सिंह। केड़ा सिख आया सी बेटे? भाई दया सिंह। बुक दे विच दया सिंह दे स्पेलिंग इस तरह लिखे है, करेक्ट स्पेलिंग ये भी हो सकते है, जे ऑप्शन विच दया इस तरह लिखा हो तो इस तरह भी आ सकता है, क्योंकि यह दया उर्दू फारसी शब्दों में लिखा हुआ है। जेड़ा उर्दू फारसी शब्दों में यया होंदा वो पंजाबी च लिखन लग्या ऐड़ा ते इड़ी च कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी जड़े ने वो संस्कृत दे, उर्दू फारसी दे, अरबी दे विद्वान होए ने, इस करके उन्होंने उन्होंने लैंग्वेज च यह शब्द इस तरह लिखा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणवाउण दा हुकम, नीहां विच किसने चिणवा के रख दिता, शहीद किसने करवा दिता, काम बख्श, अहमद खां, वजीर खां जां मुअज्जम ने? वजीर खां सरहंद दा नवाब होया, जालम नवाब मुगल वजीर। और किसने गुरु जी नूं आनंदपुर दा किला छड्डण लई मजबूर किया ते पिछों धावा बोल दिता? किसने? औरंगजेब ने, वजीर खान ने, अस्त खान ने या अहमद खान ने? सेम वजीर खान। वजीर खान ने तो मजबूर के तरह पिछों धावा बोलिया। वजीर खान दी चालां सन, फिर बाद में छोटे साहबजादे शहीद करवा दिता। नोट करो बेटे, किसने गुरु गोबिंद सिंह जी नू गुरु गोबिंद सिंह जी नू आनंदपुर का किला छड्डन ते मजबूर किया ते पिछों धावा बोल दिता? किसने? वजीर खान, सरहंद दा नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब दी जिंदगी एक खुद विच की बनी हुई सी? रंग तमाशा। वेरी गुड, रंग तमाशा बनी हुई है औरंगजेब दी जिंदगी। पैसे विच मस, प्रजा विच मस, रंग तमाशा विच मस, किदे च? रंग तमाशा विच मस बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मेरी रूह रो रही है ये शब्द किसने कहे? जिन्नत उन्निसा, बेगम उदयपुरी, औरंगजेब, अस्त खान। जेड़े चार पत्र आए ना उन्ना विचों ही हो सकते जिन्हें ये शब्द कहे ने, अज मेरी रूह रो रही है, एंड ते कहने जो पता लगता है जफरनामा पढ़ के कि मेरे तो किनिया वड़िया गलतियां हुई कि मेरे नाल धोखा किन्ने किता, किसने धोखा किता सी औरंगजेब नाल? वजीर खान ने। अज मेरी रूह रो रही है ये शब्द किसने कहे? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, औरंगजेब दी आखरी उम्र का सहारा कौन सी? उड़ा भाग जिन्नत उन्निसा, ऐड़ा भाग बेगम उदयपुरी, इड़ी भाग अस्त खान, ससा भाग काम बख्श। जीनत उन्निसा बेटी सी उसका आखिरी सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने मैदाने जंग विच भी केड़ा वक्त नहीं सी खुंजाया? प्रजा नू तंग करन दा, लड़ाई करन दा, नमाज पढ़न दा, जां वजीर खान नू मिलन दा? नमाज पढ़न दा। मैदाने जंग विच वी केड़ा वक्त नहीं सी खुंजाया? खुंजाया दा मीनिंग बेटे वक्त हथों नहीं सी गवाया। नमाज पढ़न दा वक्त कदों नहीं सी गवांदा? किसे भी समय, किस समय भी नहीं सी गवांदा। मैदाने जंग विच वी जदों पहुंच जांदा सी तां वक्त नहीं सी खुंजांदा। केड़ा वक्त? नमाज पढ़न दा। नमाज पढ़न दा वक्त उन्हें उदों भी नहीं सी खुंजाया जदों मैदाने जंग विच सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सब भरोसे औरंगजेब दा, औरंगजेब दा भरोसे योग अहलकार अहमद खान, भरोसे योग अहलकार अहमद खान, अस्त खान, वजीर खान, काम बख्श, अस्त खान। भरोसे योग अहलकार कौन हुआ?
अस्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, जफरनामा इकांगी का स्थान केड़ा है जिथे वापरदा है इकांगी? कांगड़ नगर, अहमद नगर, बोलो बच्चे, सरहंद या चप्पड़चिड़ी? अहमद नगर, अहमद नगर किस स्थान ते वापरदा है इकांगी का? इकांगी का स्थान केड़ा है? अहमद नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नू मालवे दे किड़े स्थान ते मिलन दा पैगाम भेजे है? ऑप्शन है अहमदनगर, सरहंद, कांगड़ नगर, मालवे दा स्थान है रूपनगर। कांगड़ नगर, नोट करो, कांगड़ नगर विच मिलन दा पैगाम भेजे है। कांगड़ नगर केड़े इलाके च है? मालवे, माझे, दुआबे च के पुआध विच? मालवे विच। ए अलग क्वेश्चन है, कांगड़ नगर केड़े इलाके विच है? मालवे दे इलाके विच, दुआबे दे, माझे दे के पुआध दे? मालवे दे। कौन अनगिनत लड़ाइयां करके भी जिंदगी दी बाजी हार गया? औरंगजेब। एंड ते कहंदा ना, मैं जिंदगी दी बाजी हार गया क्योंकि उन्हों पछतावा होया। जफरनामा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने भेजिया वो पढ़न तो बाद उन्हों आवाजा परेशान कर दिया ने। इकांगी शुरू ही इत्थों हुंदा है। जफरनामा किहदे हथ भेजिया बटे? हुणे आपां क्वेश्चन डिस्कस किया, किसे हथ भेजिया बटे? भाई दया सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खत जफरनामा विच गुरु गोबिंद सिंह नूं की कहा? मिलन दा पैगाम भेजा, लड़ाई करन दा, लानता पाईया, जां जां प्रजा नूं दुख देन बारे दस्या? लानता पाईया, जफरनामा विच लानता पाईया, किते कर्मां ते लानता पाईया हन? गुरु गोबिंद सिंह नाल सुलह करन लई औरंगजेब नूं कौन कहंदा है? कामबख्श, मुअज्जम, अस्त खान या शाही हकीम? अस्त खान, क्योंकि सारे दिल दियां गल्लां औरंगजेब किहदे नाल सांझियां करदा है? अपनी बेटी नाल नहीं सांझियां करदा, क्योंकि उन्हूं लगदा है कि बेटी नाल मेरा रिश्ता उह कायम नहीं हो सकेगा। जे मेरी बेटी नूं पता लग गया मेरे कारनामिया दा, जो जफरनामा विच लिखिया गया, फिर किहदे नाल गल्लां सांझियां करनियां चाहुंदा है? अस्त खान नाल। अस्त खान कौन है बेटे? अहलकार तो भी वध के दोस्त मित्र। इत्थों तक किन्ने क्वेश्चंस हो गए बेटे? भाई बाकी क्वेश्चन आपां मंडे करांगे। हुण आपां कक्का ते खक्का भाग मुहावरे करिए। कक्का ते खक्का भाग मुहावरे, फर्स्ट, बहुत तरक्की करनी, एक अर्थ है इहदे नाल रिलेटेड। मुहावरा दसो, कक्का भाग ते खक्का भाग, कदमा है ढक्खां विछाउणा, ख्याली पुलाव पकाने, पौड़ी वेंग वा पौड़ी वेल वांग वधना, जां कन्न कुतरने। बहुत तरक्की करनी, ए अर्थ ने। इधर मुहावरे लिखने, जे मैं मुहावरा बोलांगी तुसी इधर अर्थ लिखोगे। कक्का ते खक्का भाग मुहावरे मैं अज करवाने हैं, क्योंकि ए आपां पीटी वन च कीते, उस तो बाद रिविजन नहीं हुई। फर्स्ट ऑप्शन इज ख्याली पुलाव पकाने, सेकंड ऑप्शन कदमा हेठ अखां बिछाउणा, थर्ड कौड़ी वेल वांग वधना, फोर्थ है कन्न कुतरना, कौड़ी वेल वांग वधना। इहदे नाल दा ही खक्खा भाग च मुहावरा है, बोलो। खक्खा भाग विच इहदे नाल दा ही मुहावरा है, यस, उहदा भी मीनिंग सेम है, बहुत तरक्की करनी। हुण मैं उहदे च भी बोलदी हां, ख्याली पुलाव पकाने,
खाना आबाद करना, खुंबा वांग उठना, खे छांदे फिरना। नो, गलत। खाना आबाद होना मीन्स घर बस जाना। खुंबा वांग उठना, नोट करो, खुंबा वांग उठना एदा की मीनिंग है? बहुत तरक्की करनी। नोट करो, कक्का ते कक्का पाग, दो दो मुहावरे नोट करो जिन्हां दा मीनिंग सेम है। नेक्स्ट, कख ना रहना, तबाह हो जाना। कंगा होना, तबाह हो जाना। मैं हुण इहो जिहे मुहावरे पहले लिखा रही हां। कंगा होना, नोट करो, कख ना रहना, कख ना रहना, कंगा होना, ते गुगल होना, गग्गा भाग विच गुगल होना, तबाह हो जाना। तिन्हां दा मीनिंग सेम। नेक्स्ट, तबाह हो जाना। परे मुहावरे अलग अलग भी आ सकते हैं कि तबाह हो जाना दा मुहावरा चुनो। उड़ा ऑप्शन है, उड़ा ऑप्शन है कखो होले होना, एड़ा ऑप्शन खे छांदे फिरना, इड़ी ऑप्शन है कंगा होना, सस्सा ऑप्शन है खुदी मिट्टी खून लग जानी, कंगा होना है। एदे विच की आएगा? कंगा होना। ते जे एदी थां ते गूगल होना लिखा हो गूगल होना, ठीक है। हुण जिहड़े मुहावरे मैं नाल दसदी हां उहनां दे मीनिंग तुहानूं पता होने चाहीदे ने। जिहड़े मुहावरे मैं हुण नाल बोले है, किहड़े किहड़े मुहावरे बोले, बोलो जल्दी। वो तां हो गया क्लीयर। कौड़ी वेल वांग वधना बहुत तरक्की करनी, खुंबा वांग उठना भी तरक्की करनी। होर मुहावरे बोले है, कक्का ते बोलो, खे छांदे फिरना की होएगा? मैं बोलिया ना मुहावरा ऑप्शन च, ख्याली पुलाव पकाने भी बोलिया, फिर उन्होंने मीनिंग तुहानूं पता होने चाहिए है ना। उन्होंने मीनिंग पता होणगे तां तुहानूं आंसर सही पता चलेगा। चलो, ख्याली पुलाव पकाने, ख्याली पुलाव पकाने का की मीनिंग होएगा? फोकियां स्कीमां बनाउणियां। इहदे नाल दा तुसीं 9 च मुहावरा कीता, हवाई किले उसारने। ख्याली पुलाव पकाने, ख्याली पुलाव पकाने, फोकियां स्कीमां बनाउणियां, खे छांदे फिरना, रुलदे फिरना। इहदे नाल दा घग्गा भाग च मुहावरा, कट्टा छांदे फिरना। की होएगा बेटे? रुलदे फिरना, टक्करा मारदे फिरना। जिवें पढ़े लिखे नौजवान खे छांदे फिरदे, नौकरी मिलदे ने, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मुहावरा लिखो, कांजी कोला, कांजी कोला, गुस्सा करना, बेस्वादा काम करना, शर्मिंदा करना, बोलो बच्चे, धक्का मारना, कांजी कोला, शर्मिंदा करना। नोया तो कच्चा होना दा होंदा शर्मिंदा, गुस्सा करना, बेस्वादा काम करना। व्याह दे कारज, व्याह दे कारज बड़े सोहने तरीके नाल चल रहे सन। दोनों भरावां ने लड़ाई करके कांजी घोल दित्ती, बरातियां ने शराब पी के कांजी घोल दित्ती, ठीक है। दोनों भरा खेता बाड़ी का काम, खेती बाड़ी का काम खूब मेहनत ना करे, चाचे ने आके कांजी घोल दित्ती, दोनों की चुक च आ गए। कांजी घोलना मीन्स बेस्वादा काम करना, तुहानूं मुहावरे नहीं आते। नेक्स्ट, नेक्स्ट है करनी भरनी, करनी भरनी। ये तो तुहानूं आंदा है, हर एक नूं इस संसार विच आके करनी भरनी का फल भोगना ही पैंदा है। किता भोगना, वेरी गुड, किता भोगना, करनी भरनी। नेक्स्ट है कंडे बीजना, कंडे बीजना। जिहड़ा किस, जिहड़ा किसे दे राह विच कंडे बीजदा उसका भला नहीं हुंदा। कंडे बीजना मुसीबत खड़ी करना, इहदे नाल दा खखा भाग मुहावरा है। खखा भाग मुहावरा कोई दस सकदा है? खूह पुटदे नूं, तुसीं 6-7 च कीता होया खान, खूह पुटदे नूं खाता तैयार। जिहड़ा किसे लई खूह पुटदा है आप भी खूह विच डिगदा है। ते खूह पुटना ते कंडे बीजना दा मीनिंग की मीनिंग होएगा? वेरी गुड, मुसीबत
पैदा करनी जा खड़ी करनी जा मुश्किलां पैदा करनिया जा मुश्किलां पैदा करनिया। नेक्स्ट वन इज बहुत आदर करना। अर्थ दा मुहावरा दसो। बहुत आदर करना अर्थ दा मुहावरा कक्का भाग विच। यस हुने हुने करवाया कदमा हेठ अखां विचोना। कदमा हेठ अखां विचोना। कदमा हेठ अखां विचोना मुहावरे दा की अर्थ होएगा दिशांत? की अर्थ होएगा? हुने दसिया बहुत आदर करना। हुन मैं मुहावरा बोलिया मीनिंग नहीं पता। चलो नेक्स्ट। बिल्कुल बदल देना जा नवा नरोआ कर देना इस अर्थ का मुहावरा दसो। बिल्कुल नवा नरोआ कर दे जाना जा बदल देना। बोलो बच्चे मुहावरे का मुहावरा दसो अर्थ का। कन्ना विच उंगलां देना कारा हो जाना काया पलट देना। काया पलट देना जा कच्छा वजाउणिया। नवा नरोआ कर देना दा जा बदल देना दा मुहावरा दसना। काया पलट देनी पढ़े लिखे नौजवानों ने आंदे ही पिंड दी काया पलट दित्ती। काया पलट देना मीन नवा रूप कर देना उहदा रूप ही बदल देना। काया पलट देना दा मीनिंग की होएगा? बदल देना। नेक्स्ट वन इज बहुत रोला पाना दा मुहावरा दसो कक्का भाग विच। बहुत रोला पाना दो मुहावरे ने कक्का भाग विच। वो तो ऑप्शन नाल तो तुहानू आ जाणा कन्न खाने जा कावा रोली पाना। एग्जैक्ट मीनिंग इज कावा रोली पाना। कावा रोली पाना दा की अर्थ होएगा? बहुत रोला पाना। नेक्स्ट ठग लेना अर्थ दा मुहावरा दसो कक्का भाग। ठग लेना ठग लेना कन्न केसल मारना कन्ना नू हाथ लाने कन्न कुतरने कन्नी कतराना। कन्न कुतरने कन्न कुतरने ठग लेना ते कन्नी कतराना दा फिर मीनिंग दसो। दूर रहना जेड़े पढ़ाई तो कन्नी कतरांदे ने सफल थोड़ी हुंदे ने जेड़े दूर रहंदे ने मीन जी चुराउंदे ने पढ़ाई तो। जेड़े कन्नी कतराउंदे हन कम तो पढ़ाई लिखाई तो कन्नी कतराउंदे ने जिंदगी च कामयाब नहीं हुंदे। नेक्स्ट बेटे बिल्कुल भी कोई काम ना करना। बिल्कुल कोई काम ना करना ये मीनिंग है। कक्का तो लैके कग्गा भाग विच विच मुहावरे होने चाहिए जो तुहाडे सिलेबस च है। कक्का भाग विच ही इहदा मुहावरा है कोई काम ना करना। बोलो बेटे कन्ना ते जूना सरकनी कन्न केसल मारनी कख भन के दोहरा ना करना कन्न वलेट के तुरना कख भन के दूरा ना करना। ते बाकियां दा मीनिंग की होणगे? कन्न वलेट के तुरना जां कन्न केसल मारना दोनों सेम मीनिंग। ते कन्ना ते जूना सरकनी तिन्नां दा मीनिंग सेम। कोई असर ना होना सुनी नूं अनसुनी करना। केड़े केड़े मुहावरे ने नोट करो कन्न केसल मारना कन्न वलेट के तुरना कन्न केसल मारना। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕਣੀ। ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ? ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ
कुफर तोलना, कुफर तोलना, सच बोलना, चापलूसी करना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, रब दे विरुद्ध बोलना, कुफर तोलना पाप है। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास करांगे। जफरनामा एकांगी अच्छी तरह बेटे रीड कर लेना।